हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, सुबह सुबह का टाइम है और अभी मैंने ना अपने कुछ कुछ काम कर लिए हैं। मैंने कहा चलो वीडियो भी करती हूँ स्टार्ट। चिया सीड अपनी भिगा दी है मैंने और बेड वेड मैंने अपना क्लीन कर लिया है। ये देखिए, बस अभी ना थोड़ा सा कपड़ा मारना है, मतलब चादर वादर इकट्ठी करके रख दी है। और अभी उठी हूँ मैं थोड़ी देर पहले ही, तो बस मैंने आज फटाफट पहले काम कर रही हूँ क्योंकि आज हमें जाना है घूमने। अभी तो मैं बोल रही हूँ, अभी का कुछ पता नहीं, वो आपको आगे पता चल ही जाएगा कि हाँ जाएंगे या नहीं। लेकिन अभी यही बोल कर गए थे सुबह ही कि मैं आता हूँ, तब तक का मतलब तैयार हो लेना। तो आज मौसम भी अच्छा हो रहा है, मैंने कहा चलो कहीं घूमने चलते हैं। पूरा महीना पूरी छुट्टियाँ ऐसे ही निकल गई, कहीं भी घूमने नहीं गए हैं। तो देखते हैं कहाँ जाते हैं और आपको भी लेकर चलते हैं, ठीक है? तो जल्दी 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 मैं ना काम कर लेती हूँ पहले, और फिर जाके मैं रेडी होती हूँ। पहले मैंने अपनी चिया सीड भिगा दी थी, उसको ले लूँगी। तो जी देखिए, सारा काम ना मैंने अपना निपटा लिया था। मैंने कहा चलो मैं ना अब रेडी हो लेती हूँ। और देखिए, मेरे ना रात पता नहीं कमर की नस चढ़ गई थी, पता नहीं कैसे करके, और उसमें ना मेरा रह रह के दर्द हो रहा था। तो बस मेरा ना मन नहीं कर रहा था तैयार होने का। जब दर्द हो रहा था ना तो ऐसा लग रहा था कि ना करूँ कुछ भी, लेकिन जब दर्द ठीक हो रहा था तो फिर मैं रेडी होने लगी थी। तो देखिए, मैंने ना अपनी यही वाली ड्रेस पहनी है, और जो कि मैंने मंगाई थी ना ऑनलाइन मीशो से ही मंगाई थी, और काफ़ी अच्छी है। मैं ना इसको पहली बार पहन रही हूँ, और मैं ना यही सोच रही थी कि मैं कहीं जाऊँ तभी मैं इसको पहनूँ। तो देखिए, मैंने आज इसको पहनी है। तो बस मैं अपना कर लूँगी मेकअप, अब चूड़ी चेंज कर रही हूँ। और ये ना मेरे पास पर्पल कलर की चूड़ी रखी थी, वेलवेट वाली चूड़ी है ये। और ये मेरे कड़े हैं फेवरेट, जो कि मैं हर चूड़ी पर लगा कर पहन लेती हूँ और काफ़ी अच्छे लगते हैं मुझे। तो जी देखिए, बस मैं चूड़ी चेंज कर लूँगी अपनी और मेकअप कर लेती हूँ चलिए फटाफट से, और फिर के मिलती हूँ। तो मेकअप मैं वही कर रही हूँ अपना, जो कि मैं डेली में करती हूँ ना वही कर रही हूँ। बस यही क्रीम लगा रही हूँ मैं, फाउंडेशन नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि फाउंडेशन लगाने से ना बाद में मुँह एकदम सफ़ेद सफ़ेद बहुत ही ज़्यादा अजीब सा हो जाता है। तो बस मैं फेयर एंड लवली क्रीम ही लगा रही हूँ, और वही बस ऐसे ही मेकअप करूँगी जैसे कि डेली यूज़ में करती हूँ। तो जी ये देखिए, ये झुमके ना मैंने आपको पहले भी दिखाई थी, मैंने ना बहुत ही मन से ली थी। लेकिन हुआ क्या था, जब जिस दिन मैंने ली थी ना और मैं इनको पहनने लगी थी, ये ना उसी दिन टूट गई थी। तो मैं ना इनको पहन नहीं पाई थी, और मेरा ना फेंकने का भी मन नहीं कर रहा था। तो आज मैंने इनको बोला, मैंने कहा जी मुझे यही वाली झुमके पहननी है। तो बस देखिए, इन्होंने जुगाड़बाजी करके ठीक कर दी है, धागा बांध दिया है इसमें, और ये पहनने लायक हो गई है। तो जी देखिए, काफ़ी अच्छी लग रही थी, मैंने ना बहुत ही मन से ली थी ये। तो जी देखिए, मैं तो हो गई हूँ तैयार, तो चलिए इनका भी कर देते हैं कुछ कुछ क्या मतलब, इनके बालों पर डाई कर देते हैं। इनके ना बाल बहुत ज़्यादा बेकार हो रखे थे, तो मैंने कहा चलो आप कलर करवा लो। मैंने ना इनको ये बोला था कि आप कल ही करवा लेते, मतलब एक दिन पहले, लेकिन इनको ना यही होता है कि टाइम के टाइम पर ही ये सब काम करते हैं, सेविंग वेविंग सब इनका टाइम के टाइम ही होता है। तो देखिए, बस मैं इनके बालों पे कलर लगा लूँगी, और ये रहता है ना तो बस कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं वीडियो में। मैं इनकी रियल आवाज़ नहीं डालती, अगर आप कभी सुनोगे ना तो बहुत हंसोगे इनकी बातों पर। ये कहते हैं कि तुझे हर चीज़ की वीडियो बनानी ज़रूरी है। मैंने कहा मैं क्या करूँ, अब मेरा काम ही है तो मुझे वीडियो तो बनानी ही पड़ेगी। इनको ना थोड़ा कम पसंद है अब, तो फिर भी वीडियो इतने आने लगे हैं वीडियो में, पहले तो बिल्कुल भी नहीं आते हैं। तो जी देखिए, मैं हो गई हूँ रेडी, और झुमके पहन ली है मैंने, और काफी अच्छी लग रही है। बेल्ट लगाऊं के रहने दो है? नहीं, वो जो बेल्ट मंगाई थी हमने, तो जी देखिए कितना अच्छा मौसम हो रखा है, और बस हम ना पहुंचने ही वाले हैं, बस थोड़ा सा रह गया है हमारा रास्ता। और ये देखिए, इतना बड़ा फ्लैट था ना बहुत ही पहाड़ों के बीच में,
बहुत बड़ा फ्लैट बना रखा है। मैंने कहा पता नहीं लोग कैसे रहते हैं, मुझे तो ना बहुत ज़्यादा डर लगता है पहाड़ों में ना। अच्छा तो लगता है लेकिन डर भी ना बहुत ही ज़्यादा लगता है। ज़रा सा मौसम ख़राब होता है ना, हवाएं चलती है, तो सच में मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगता है, लेकिन अच्छा लगता है देखने में। ये देखिए कितना अच्छा नज़ारा है ना एकदम, और इतने अच्छे अच्छे नज़ारे आते हैं, मन करता है कि बस वीडियो ही बनाते रहो पहाड़ में ना। ऐसा मन करता है मेरा कि बहुत सारी वीडियो बनाऊँ, लेकिन क्या करूँ वीडियो इतनी ज़्यादा लंबी हो जाती है ना। आज भी मैंने बहुत सारी इसमें से क्लिप काटी है, रास्ते की बहुत सारी वीडियो बना रखी थी, लेकिन ज़्यादा भी वीडियो क्या वो हो जाता है ना, फिर बहुत बड़ी हो जाती है तो कोई देखता नहीं है। तो जी देखिए बस हम पहुँचने वाले हैं और हम जा रहे हैं सैस धारा, मैं बता देती हूँ आपको, और वहाँ जाके देखिए बस हमने एंट्री कर ली है, पर्ची कटा लेंगे अपनी बाइक की। और बाइक की पर्ची यहाँ पर 10 रुपये की होती है, और अगर गाड़ी लेकर जाते हैं तो उसकी शायद 40 रुपये की होती है। पहले हम गाड़ी से आए थे तो 40 रुपये की होती है, और अगर बस से आओ तो फिर कुछ नहीं लगता है। तो जी देखिए बस हम अंदर आ गए हैं, तो गाइस पहुँच गए हैं हम सैस धारा आए हैं। ये देखो मैंने लगा लिया है चश्मा। अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है चश्मा लगाकर। तो गाइस यहाँ ना हम रूम के लिए देख रहे थे कि रूम देख लेते हैं, रूम ले लेते हैं, लेकिन फिर मैंने इनको बोला, मैंने कहा रूम क्या लेना है, थोड़ी देर के लिए तो आए हैं, और लॉकर ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पर ना लॉकर मिलते हैं, और जो भी सामान होता है अपना लॉकर में रखो और अपना एंजॉय करो, नहाना धोना जो भी होता है सब अपना लॉकर में रखो। गाइस बारिश आ गई है, हमने कर लिया है चेंज। बारिश होने लगी है तो क्या हो गया, पानी में तो नहाना है, बारिश में भी नहा लो, पानी में भी निकालो कपड़े, और तुमने तो कपड़े निकाले ही तो देखिए गाइज ये वाले लॉकर हैं, 50 रुपये में ना एक लॉकर मिलता है, आप उसमें ना अपना सारा सामान रखकर अपना नहा सकते हो, और चेंज करने के लिए भी यहाँ पर बने हैं। और अगर आप कपड़े भी लेकर नहीं आते हो ना तो आपको यहाँ पर कपड़े भी मिल जाते हैं, जैसे कि अचानक प्रोग्राम बन गया कि चलो नहा लेते हैं, तो यहाँ ना कपड़े भी मिल जाते हैं। और यहाँ पर बस बारिश होने लगी थी, मैंने कहा चलो तब तक का कुछ खा लेते हैं, तो बस वही देख रहे थे हम कि क्या मंगाए, तो बस ज़्यादा तो कुछ नहीं मैंने बोला, मैंने कहा चलो मोमो मंगा लेते हैं, मुझे मोमोज अच्छे लगते हैं, और स्टीम वाले ही मैं खाती हूँ, मुझे फ्राई मोमोज अच्छे नहीं लगते हैं। और जी ये देखिए यहाँ भी ना 32 बार बहुत अच्छे से मैं आपको लग रहा होगा देखकर, क्योंकि अब ऐसी आदत हो गई है ना कि 32 बार चबाने की ऐसी आदत हो गई है कि अपने आप ही मुंह ऐसे चलता है कि हाँ अच्छे से चबा कर खाना है। और देखिए ऐसे ही चबा चबा कर खाने से मैं कितनी ज़्यादा फिट हो गई हूँ सच में, कपड़े पहनती हूँ ना अब इतना अच्छा लगता है, अब तो ऐसा लगता है कि अब तो 32 बार कभी छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरा वेट कम हो गया है। तो जी चलिए खा लेते हैं और फिर जाके हम नहाएंगे, बारिश हो रही थी, और पीछे देखिए इनको ना कपड़े चेंज कर रहे थे और मैंने इनका ध्यान नहीं दिया है, और ये वीडियो में देख रहे थे कि ये मेरी वीडियो बना रहे हैं। तो जी देखिए पहले नहीं मिलता था यहाँ पे ना फ़ोन के लिए, फ़ोन की दिक्कत होती थी कि वीडियो कैसे बनाए, लेकिन अब यहाँ पर ये मिलने लगे हैं कवर फ़ोन के, काफ़ी अच्छा था, हमने ये कवर लिया था और ये ना 100 रुपीज़ का था, थोड़ा सा महंगा था, हमने बोला भैया 50 का लगा लो, बोलने लगे नहीं जी 100 का ही लगेगा, लेकिन हमने ले लिया था, काफ़ी अच्छा था, पानी इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं गया था, उन्होंने बोल दिया था कि आप पानी में डालकर देख लो, अगर गया तो नहीं लेना है। तो जी देखिए मैंने कहा चलो हम भी चलते हैं, और पानी बड़ा ठंडा था एकदम। कूदो हाँ, और ठंडा हो रहा है पानी, पानी बहुत ठंडा हो रहा है। अरे अंदर घुसो तो एक बार। हाँ तो ठंड लग रही है ना, ना। मैं तो यहीं बैठी रहा हूँ। कितना पानी है? कितना है? ये तो मैं खड़ा हूँ और क्या?
कहाँ से उतरू? कितना पानी है बोले तो क्या? मेरे तो और भी अंदर जाएगा। यहाँ कितना है? यहाँ इतना है वैसे, लेकिन यहाँ बहुत गहरा है, यहाँ तक का ना बहुत गहरा है यहाँ। तो जी देखिए, बहुत हिम्मत की मैंने, मैंने कहा चलो चलती हूँ पानी में। मुझे ना पानी से डर लगता है, और जब शुरू शुरू में जाओ तो डर लगता है, फिर बाद में अच्छा लगने लगता है। मुझे ना ये डर लगता है कि कहीं इधर से पानी ज़्यादा ना आ जाए, जैसे कि मैं केस देखती हूँ ना, वीडियोस देखती हूँ, एकदम से कैसे पानी आ जाता है, तो मुझे ना बहुत ज़्यादा डर लगता है। ये तो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, इनको तो बहुत ही मज़ा आ रहा था, ये तो तैर भी लेते हैं, मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो बस मैं ना थोड़ा सा ऐसे ही अपना साइड से ही नहा रही थी, जहाँ पर पानी कम था ना, तो बस मैं वहीं पर अपना बैठकर थोड़ा सा इंजॉय कर रही थी। और गाइस, जो ये हमने कवर लिया है ना, तो बहुत ही अच्छा कवर है, कवर से बाहर निकालने की फ़ोन को ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, उसी के अंदर से वीडियो देखना, सारी वीडियो उसके अंदर से ही बनी है, बहुत ही अच्छी वीडियो बनी है। और पानी उधर ज्यादा है, हाँ तो उधर तो यही है, ज्यादा है, जितना आगे जाओ उतना ज्यादा है। कितना पानी है बीच में? इतना है खड्डा तो हो रहा है। तो जी ये तो फुल एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन मुझे लग रही है ठंड, मैं तो बैठ गई हूँ बाहर निकल के। और पता नहीं मेरी आवाज़ आपको आ रही होगी या नहीं, क्योंकि पानी की आवाज़ बहुत ज़्यादा है। ये देखिए, ये खूब कर रहे हैं एंजॉय, और मुझे तो लग रही है ठंड, तो बस मैं ना निकल के बैठ गई हूँ पानी से बाहर, और मौसम ठीक हो गया है। तो जी अब हम निकल गए हैं, चेंज वेंज कर लिया है हमने, खाना पीना भी खा लिया है, और बस अब हम निकल रहे हैं। मौसम बड़ा खतरनाक हो रहा है, बारिश हो के रुकी है अभी भी ना। आई ये देखो, किचकिच हो रही है पूरी पूरी ना, किचकिच हो रही है। वो पैसे होने भी चाहिए ना, गूगल पे में एक भी रुपया नहीं है तेरी कसम भाई, यही नहीं है कहाँ से लगूँ, ईमानदारी करनी है। गाइस घर पे आ गए हैं और 8 बज रहे हैं, और सबसे पहले आते ही मैंने बनाई है सिकंजी, क्योंकि पानी पी पी का ना मेरा पेट फटा जा रहा था बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा खुश्की आ रही थी। बाहर का तला भुना कुछ खाया है ना, वैसे ज़्यादा कुछ नहीं खाया था, लेकिन फिर भी ना बहुत ज़्यादा मतलब पानी ही पानी पिया जा रहा था, तो ये बोलने लगे कि वो बना लो सिकंजी नींबू पानी। मैं तो ग्रीन टी लेती आते ही, लेकिन ये बोलने लगे कि नींबू पानी पियो तो खुश्की ख़त्म हो जाएगी, तो बस मैंने बना लिया है ये देखिए, और ये पी कर चले गए हैं, बहुत टेस्टी बन रहा है।
तो जी चलिए मैं पीती हूँ और इस वीडियो का एंड भी करती हूँ। बहुत ज़्यादा एंजॉय किया हमने, थोड़ा सा बीच में बारिश आ गई थी तो उससे थोड़ा मूड वो हो गया था ख़राब, लेकिन बारिश रुक गई थी जैसे ही बारिश हुई, बहुत तेज़ से बारिश हुई और बहुत ही तेज़ फिर धूप निकल गई थी। फिर हम नहाए धोए, फिर हमने मज़े किए और बस घूम कर आ गए हैं। तो जी चलिए अभी मैं संगवाती हूँ, मतलब घर तो साफ ही है, सब कुछ साफ पड़ा है, कपड़े वपड़े सुखाती हूँ, जो कपड़े वहाँ से गीले कपड़े आए थे ना उनको रखती हूँ और खाना वाना देखती हूँ क्या बनाऊँगी। तो जी चलिए पहले इस वीडियो का एंड करती हूँ और कल फिर मिलूंगी एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। चेंज वेंज करती हूँ मैं अब, ठीक है, बाय।